Hello children, so today we are going to do GK chapter 5 living and non-living things on page number 7. Okay, so in our green environment class we had discussed and learned what are living and non-living things. किस चीज़ को हम लोग living things बोलते हैं, किस चीज़ को non-living things बोलते हैं, हम लोग ने green environment में से एक चैप्टर किया था और उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था. क्या बताया था उस दिन कि लिविंग थिंग्स क्या क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं. सो लिविंग थिंग्स दे ईट, दे ब्रीद एंड दे कैन ग्रो. ये तीन चीज़ें जो करते हैं उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जो नहीं कर सकते उसको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. सो लेट अस सी, वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आर लिविंग वाइल सम आर नॉन लिविंग. उनमें से कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है. ठीक है, कुछ जिंदा है और कुछ चीज़ें जो जिंदा नहीं हैं. राइट एल फॉर लिविंग फॉर द लिविंग एंड एन एल फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, सो वी हैव टू राइट एल फॉर द लिविंग थिंग्स एंड एन एल फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो जो लिविंग थिंग है उसके लिए हमको एल लिखना है. यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है जगह ब्लैंक एंड एन एल लिखना है जो कि नॉन लिविंग थिंग है. सो लेट्स स्टार्ट. बॉय, बॉय खाना खा सकता है, यस. ब्रीद, यस. ग्रो करता है, यस. सो लिविंग थिंग. चेयर, कैन चेयर ईट, नो. कैन अ चेयर ब्रीद, नो. कैन अ चेयर ग्रो, नो. सो नॉन लिविंग थिंग, एन एल. वाटर बॉटल, कैन वाटर बॉटल ईट, खाना खा सकता है, नो. ब्रीद, नो. ग्रो, नो. सो नॉन लिविंग थिंग. कैटरपिलर, कैटरपिलर एक इंसेक्ट है. इंसेक्ट भी खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और ग्रो करते हैं. सो लिविंग थिंग. स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, चश्मा खाना खाता है, नहीं. सांस लेता है, नो. ग्रो करता है, बिल्कुल नहीं. सो नॉन लिविंग थिंग. ग्रास, ग्रास यानी कि घास. तो घास बिल्कुल ग्रो करते हैं, बारिश में तो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, खाना खाते हैं. मैंने क्या कहा था कि पेड़ पौधे घास, इन लोग का खाना दाल रोटी नहीं होता, इन लोग का अपना खाना होता है जो कि इन लोग अपने लीव्स की मदद से ले करते हैं, रूट्स की मदद से करते हैं और सांस भी लीव्स की मदद से करते हैं. सो ये क्या है, लिविंग थिंग्स है. नेक्स्ट प्लांट, लिविंग थिंग. मोबाइल फ़ोन ग्रो करता है, नहीं. सांस, खाना, बिल्कुल नहीं. सो नॉन लिविंग थिंग. नेक्स्ट इज़ अ कैट, बिल्ली. बिल्ली मौसी खाना भी खाती है और सांस भी लेती है और ग्रो भी करती है. सो लिविंग थिंग. सो नाउ लेट्स लुक हियर, समथिंग इज गिवन ओवर हियर एट द बॉटम ऑफ द पेज. डू यू नो, कि आपको पता है, लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. क्या बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स बड़ा होता है बट नॉन लिविंग थिंग्स बड़ा नहीं होता. तो डू यू नो, से यस वी नो, वी हैव लर्नड इन ग्रीन एनवायरनमेंट. नाउ कम टू पेज नंबर 6. ओके, लेट्स डू पेज नंबर 6, चैप्टर 4, द थिंग्स वी सी एट स्कूल. द थिंग्स, थिंग्स मतलब चीज़ें जो हमको स्कूल में देखने को मिलता है. सी मतलब देखना. द थिंग्स वी सी एट स्कूल, जो चीज़ें हमको स्कूल में देखने को मिलता है. ओके, सो फ्यू पिक्चर्स आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड एंड इन द सेंटर सम नेम्स आर गिवन. सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैच
द पिक्चर्स टू देयर करेक्ट नेम्स. तो जो भी पिक्चर का सही नाम है उसके साथ हमको मैच करना है लाइन खींच के. ओके सो लेट्स स्टार्ट. मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विथ देयर नेम्स. सो द फर्स्ट पिक्चर, दिस इज अ शार्पनर. पेंसिल छीलते हैं शार्पनर से. सो शार्पनर. सो ड्रॉ अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन and join it to sharpener. Don't use a scale, use your hand and your pencil. Okay, try to do it free hand. Okay, और ऐसे बहुत बच्चों को मैंने देखा ऐसे 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 करके एकदम zigzag line खींचते हैं. So don't do that, that looks very dirty. So draw a straight line. Okay. Number two, this is a book. So book, picture and the correct name. Okay, number three, this is a bench. Okay, so where do we have got bench? It's over here. So the picture with its correct name match. This is an eraser. Okay, so eraser, we have got eraser here. So match. Number five, pen. Number six, desk. Okay, so this is a desk. Number six, desk. Okay, this is a blackboard. So number seven goes up here, blackboard. Okay, and last, number eight, pencil. So pencil is here. Okay.